एवरीवन, आज हम सेट थ्योरी पर बेस्ड एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन प्रीवियसली ईयर 2019 में आई एम इंदौर के इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट के एप्टीट्यूड टेस्ट में पूछा गया है। इन अ स्कूल 70% ऑफ द बॉयज लाइक क्रिकेट एंड 50% लाइक फुटबॉल। इफ एक्स पर्सन लाइक बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल देन एंड द ऑप्शंस आर। ये क्वेश्चन एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। 70% क्रिकेट पसंद करते हैं, 50% फुटबॉल पसंद करते हैं एंड 100% टोटल हम स्ट्रेंथ मान सकते हैं यहाँ पर बॉयज की। एक्स परसेंट दोनों ही गेम्स पसंद करते हैं, हमें एक्स की रेंज पता करनी है। सेट थ्योरी का एक रूल है और वो ये है कि कोई भी वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव नहीं हो सकती। हम यहाँ पर एक बार देख सकते हैं, क्या हम एक्स की वैल्यू इन दोनों में से जो छोटी है वो है 50, क्या हम x की वैल्यू यहाँ पर 50% रख सकते हैं? अगर x की वैल्यू यहाँ पर 50 पुट करते हैं तो ये वाला पार्ट हो जाएगा 0, ये पार्ट हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 30। कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं है। अगर हम x की वैल्यू 50 से ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो ये हिस्सा नेगेटिव हो जाएगा। दैट मीन्स x हर हालत में लेस देन और इक्वल टू 50 होना चाहिए। What can be the lowest value of x? अगर हम x को मिनिमाइज करते हैं तो हमें कोशिश ये करनी होगी कि हम इस हिस्से को मिनिमाइज करें। हमारा एक बेसिक फॉर्मूला होता है n क्रिकेट यूनियन फुटबॉल का। ये होगा नंबर ऑफ बॉयज हु लाइक क्रिकेट प्लस नंबर हु लाइक फुटबॉल माइनस नंबर हु लाइक क्रिकेट एंड फुटबॉल। ये जो वैल्यू है वो किसी भी हालत में 100% से ज़्यादा नहीं हो सकती। दैट मीन्स यहाँ पर ये अपर वैल्यू आ गई है इसकी 100%, इसे हम 100 लिखते हैं। क्रिकेट लाइक करने वाले 70, फुटबॉल लाइक करने वाले 50 माइनस दोनों लाइक करने वाले x। तो x की वैल्यू हर हालत में 20 के इक्वल या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, बिकॉज क्रिकेट यूनियन फुटबॉल की जो वैल्यू है वो 100 को क्रॉस नहीं कर सकती। दिस वैल्यू शुड बी लेस देन और इक्वल टू 100, देयरफॉर एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 20। तो यहाँ पर हमारे पास में एक्स की लोएस्ट एंड हाईएस्ट वैल्यू आ गई है। अगर हम एक्स की जगह 20 लिख दें तो ये हो जाएगा 20%, ये होगा 30%, इन दोनों का सम 50 होना चाहिए। ये 20 है तो ये 50%, इन तीनों को ऐड करेंगे तो 100%, ये वैल्यू 0%। अब अगर हमने इसको 20 से कम कर दिया तो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, जो परमिसिबल नहीं है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा।